ठीक है। नमस्कार सभी साथियों से कि अब हम अपना व्याख्यान शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्टर पांडे जी आप। जी जी मैडम। हाँ ठीक है सर। नमस्कार आदरणीय डॉक्टर भूपनाथ पांडे जी और वेबिनार से जुड़ने वाले हमारे सभी साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि दिनांक 2 अक्टूबर 2018 से 2 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पूरे भारत में मनाई जा रही है और इस जयंती के उपलक्ष्य हमने आज के व्याख्यान का आयोजन किया है जिसका शीर्षक है आधुनिक युग में गांधी जी के विचार और मूल्यों का महत्व। और इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमने ज्येष्ठ गांधीवादी विचारक डॉक्टर भूपनाथ पांडे जी को आमंत्रित किया है। हम आरसीएफ की ओर से श्री पांडे जी का स्वागत करते हैं। आज के व्याख्यान में आप सभी जुड़कर उनके विचारों को सुनेंगे और उन्हें अपने सच्चे मन से सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। डॉक्टर पांडे जी को आमंत्रित करने से पहले मैं उनका संक्षेप में परिचय करना चाहती हूँ। डॉक्टर भूपनाथ पांडे जी मुंबई यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष है और ज्येष्ठ गांधीवादी विचारक भी है। 27 साल से शिक्षण विभाग से जुड़ने के साथ साथ उनका फिल्म स्टडीज में भी स्पेशलाइजेशन है। वह कई सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में शामिल हुए हैं। कई सारे पेपर पब्लिकेशंस के साथ साथ पुस्तकें भी पब्लिश की गई है। उन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं। उन्हें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्टेट, यूनिवर्सिटी लेवल पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि उन्हें महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी संत नामदेव पुरस्कार है, उसके अलावा प्रियदर्शनी अकादमी पुरस्कार और बाजा जो पिक्चर थी, फीचर फिल्म थी, उसके एके बीर प्रोडक्शन थे, उनको नेशनल लेवल अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। उनका सोशल कमिटमेंट्स भी है, जहाँ की वो एक एनजीओ जो कि स्त्री और बच्चों के लिए है, उसका नाम है स्त्री बाल शक्ति और ये एनजीओ के ट्रस्टी है। वह मुंबई सर्वोदय मंडल से एक्टिवली एसोसिएटेड है गांधी जी के फिलोसफी और विचार के बारे में। वह अनुव्रत समिति जो कि एनजीओ है फॉर एनवायरमेंट एंड एंटी एडिक्शन एंड कम्युनल हार्मनी, यह एनजीओ के वो वाइस प्रेसिडेंट है। डॉक्टर पांडे जी, वी वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने हमारा आमंत्रण एक्सेप्ट किया और इस सत्र में आप हमको, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते, मैं श्री पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज के विषय पर अपने व्याख्यान से गांधी जी के विचारों को हमसे साझा करें। डॉक्टर पांडे जी। धन्यवाद मैडम, और धन्यवाद आरसीएफ के अधिकारियों का कि उन्होंने मुझे गांधी जी पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। हमारा विषय है आधुनिक युग में गांधी जी के विचार और मूल्यों का महत्व। तो मेरे ख्याल से गांधी जी भी आधुनिक युग के ही थे, और मेरे ख्याल से हम लोगों से ज्यादा वो आधुनिक थे। उनके विचारों को जब हम समझेंगे, आरसीएफ एक सरकारी संस्थान है। मेरे ख्याल से 40-42 साल पहले इसकी स्थापना हुई मुरारजी भाई देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में। और चूंकि ये सरकारी संस्थान है, तो उस दृष्टि से मैं गांधी जी की बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। गांधी जी की एक सबसे बड़ी आदत ये थी कि वे जिस व्यवस्था में होते थे, उस व्यवस्था के प्रति वो पूरी तरह समर्पित होते थे। जब वो जेल में जाते थे, तो जेल के सारे कानूनों का वो पालन करते थे, भले वो कानून उनको पसंद हो या ना हो। गांधी जी का कहना था कि आप जिस भी सिस्टम में काम करते हो या आप जिस भी सिस्टम में हो, उस सिस्टम का आपको आदर करना चाहिए, और यदि आपको लगता है कि सिस्टम में कोई अमानवीय तत्व है, तो उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये गांधी जी की अवधारणा थी व्यवस्थाओं को लेकर।
गांधी जी के बारे में बहुत सारा कुछ कहा जा चुका है, गांधी जी के बारे में बहुत सारा कुछ सुना जा चुका है। मेरे ख्याल से इस देश में जितना गांधी पर बात होती है उतना किसी और पुरुष पर बहुत कम बात होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गांधी जी बहुत ज्यादा व्याख्यायित महापुरुष हैं हमारे देश के। पर पिछले कई सालों से महात्मा गांधी जी को लेकर या गांधी जी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी गलत फहमियां भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। जब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है तो हम चूंकि बहुत छोटे होते हैं इसलिए अपने छोटेपन से परेशान होकर हम बड़े आदमी पर कीचड़ उछालने की शुरुआत करते हैं। ऐसा पूरी दुनिया के हर महापुरुष के साथ होता है। और जब हम महापुरुषों की व्याख्या करते हैं या उनके चरित्र का विश्लेषण करते हैं तो हम बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से और बहुत ज्यादा बारीकी से उनके चरित्रों को देखने की कोशिश करते हैं और इस आधार पर फिर हम उनकी आलोचना भी किया करते हैं। मेरा सीधा सीधा विषय है कि आधुनिक परिवेश में गांधी जी के विचार कितने प्रासंगिक हो सकते हैं और हमें वे कितनी राह दिखा सकते हैं या कितनी हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैं कुछ मुद्दे मैं गांधी जी के लेकर स्पष्ट करना चाहूंगा और उस आधार पर हम देखेंगे अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और अपनी पूरी दुनिया को। तो गांधी जी के विचार ऐसे चार भागों में हम रखेंगे। पहला व्यक्तिगत या व्यक्ति सापेक्ष विचार, फिर समाज सापेक्ष विचार, उसके बाद राष्ट्र सापेक्ष विचार और विश्व सापेक्ष विचार। तो पहले हम व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं। हम सारे के सारे लोग इस मंच पर पढ़े लिखे लोग हैं, हम सबके पास डिग्रियां हैं, हम सारे के पास कोई न कोई विद्वता, कोई न कोई स्किल, कोई न कोई हुनर और कोई न कोई पद अवश्य है। और मेरे ख्याल से हम सभी ऐसा चाहते हैं कि दुनिया बेहतर हो, हम सभी चाहते हैं कि समाज बहुत अच्छा हो, हम सभी चाहते हैं कि समाज में अन्याय कम हो, हम सभी चाहते हैं कि समाज में सत्य की स्थापना हो, ये सारा कुछ हम चाहते हैं। लेकिन हम एक बार ये सोचें कि जो जो हम चाहते हैं समाज से, जो जो हम चाहते हैं राष्ट्र से या जो जो हम चाहते हैं अपने आसपास के परिवेश से, क्या हम सचमुच में वैसे हैं? क्या सचमुच में हम जैसे हैं वैसे इंसान मिलकर एक सभ्य समाज की रचना कर सकते हैं क्या? अगर आपको जवाब मिलता है बिल्कुल हाँ, तो फिर मुझे इस संबंध में आगे कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मिलता है कि नहीं, मैं तो अपने स्वार्थ के स्तर पर, मैं अपने लाभ के स्तर पर, मैं अपनी प्रतिष्ठा के स्तर पर झूठ का सहारा लेता हूँ, बेईमानी का सहारा लेता हूँ, चालाकी का सहारा लेता हूँ, यदि मैं व्यक्तिगत स्तर पर उतना ईमानदार नहीं या व्यक्तिगत स्तर पर मैं उतना नेक नहीं जितनी नेकी की अपेक्षा मुझे समाज से है, परिवेश से है, तो फिर ये दुनिया जैसी है दुनिया वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गांधी कहते थे समाज को तो बाद में बदला जाएगा, समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है मनुष्य, बदलाव की शुरुआत वहां से होनी चाहिए। उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जो आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, कि समाज में आप जो भी परिवर्तन करना चाहते हो या समाज में जो भी परिवर्तन चाहते हो उस परिवर्तन की शुरुआत आप अपने आप से करो। तो अगर हम अपने स्तर पर इस परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर समाज वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन में अगर आप देखें, खासतौर पर साउथ अफ्रीका के समय के उनके जीवन को देखें, क्योंकि उसी समय उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। यदि गांधी साउथ अफ्रीका नहीं गए होते तो एक औसत दर्जे के वकील बनकर वो हिंदुस्तान में रह जाते, उससे ज्यादा उनका विकास नहीं हो पाता। साउथ अफ्रीका में उनको एक किताब मिली थी अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन की, जिससे उन्होंने ये सोचा कि ये समाज, ये शरीर जो मुझे मिला है, जीवन मुझे मिला है, ये सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि इस पर समाज का हक है। और उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन में बदल दिया था।
और वहां साउथ अफ्रीका में उन्होंने दो आश्रम, क्योंकि जो गांधी जी के गुरु थे राजचंद्र या रायचंद भाई जो बंबई में रहते थे, वही गांधी जी को धार्मिक और आध्यात्मिक सलाहें दिया करते थे। तो उन्होंने बताया था कि प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी। गांधी जी ने दो आश्रमों की स्थापना की, एक फिनिक्स और एक टॉलस्टॉय आश्रम की, जहां पर एक सामूहिक जीवन जीने की उन्होंने शुरुआत की। उस सामूहिक जीवन में उनका व्यक्तिगत कोई भी नहीं था, लगभग 100-150 सदस्य उस आश्रम में रहते थे, जिनमें गांधी जी के व्यक्तिगत परिवार के लोग भी थे, साउथ अफ्रीका के लोग भी थे, इंग्लैंड के लोग भी थे, मॉरिशस के लोग भी थे, फिजी के लोग भी थे, भारत के लोग भी थे, हर धर्म के लोग थे, हर जाति के लोग थे। और उन सबके साथ मिलकर गांधी जी एक सामुदायिक जीवन की शुरुआत करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। एक छोटी सी घटना उस समय की आपको बताऊं कि गांधी जी के एक बहुत प्रिय मित्र थे और पुराने मित्र थे, उनका नाम था प्राण जीवन दास मेहता ने MBBS किया था ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से और गोल्ड मेडल पाया था 1886 के आसपास। और फिर उसके बाद वो ब्रसेल्स में गए MD करने के लिए, और MD करने के बाद उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री भी इंग्लैंड से ली, लेकिन उन्होंने डायमंड का धंधा शुरू किया और बर्मा रंगून में उनकी एक बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी डायमंड की। और उन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी जी को वो बहुत मानते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आदमी हमारे देश को आजादी दिला सकता है और ये आदमी दुनिया को सुधार सकता है। तो उन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप अपनी ही तरह किसी को बनाने के लिए इंग्लैंड भेजिए बैरिस्टर बनाने के लिए अपने आश्रम में से, और उसका पूरा खर्चा मैं आपको दूंगा। हम होते तो हम अपने बेटे को भेजते या अपने रिश्तेदार को भेजते। गांधी जी के बेटे जो हरिलाल गांधी थे, जो गांधी जी से सिर्फ 16 साल बड़े थे, गांधी जी की उम्र जब 16 साल थी तब हरिलाल पैदा हुए थे। हरिलाल बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास कर पाए थे 2-3 अटेम्प्ट में। गांधी जी ने हरिलाल ने खुद गांधी जी से कहा कि मैं बैरिस्टर बनना चाहता हूँ आपकी तरह, और मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। गांधी जी ने वहां अपने बेटे को नहीं भेजा, बल्कि मगनलाल नाम का एक उनका आश्रम में रहने वाला साथी था, उसको भेजा उन्होंने। मगनलाल इंग्लैंड जाकर बीमार पड़ गया और लौट आया। फिर हरिलाल को लगा कि अब शायद मेरी बारी आएगी। गांधी जी ने फिर भी हरिलाल को न भेजकर सोराब जी नाम के एक पारसी को भेजा, सोराब जी अजदानिया को, और बाद में वो बैरिस्टर बनकर आए और गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया। तो गांधी जी ने अपने परिवार को, अपने बेटे को महत्व न देते हुए, क्योंकि गांधी ने कहा था कि आश्रम में मुझे योग्यता देखनी है, रिश्ता नहीं देखना है। और शायद आपको पता होगा कि गांधी जी जब 1914 में 18 जुलाई को वे साउथ अफ्रीका से भारत आने के लिए निकलते हैं, और उस समय के जो बड़े नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी गुरु मानते थे, गोखले जी ने कहा था कि मैं इंग्लैंड में हूँ, इलाज करवा रहा हूँ, मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करूंगा, उसके बाद तुम भारत जाना। और गांधी जी चले गए इंग्लैंड, और उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। गोखले जी फ्रांस गए हुए थे अपने इलाज के लिए, गांधी जी एक हफ्ते के लिए इंग्लैंड गए थे, पर उनको 4 महीने वहां रहना पड़ा। और गांधी जी भी बीमार थे, गांधी जी की पत्नी भी बीमार थी। साउथ अफ्रीका छोड़ते हुए गांधी जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, जो कुछ भी उनके पास था, वो सारा एक ट्रस्ट बनाकर साउथ अफ्रीका में रख दिया, और उससे एक पैसा भी उन्होंने नहीं लिया। यहां तक कि ये किस्सा आपको पता होगा, आपने शायद गांधी फिल्म में देखा होगा कि कस्तूरबा को एक हार मिला था मोतियों का। कस्तूरबा उस हार को नहीं देना चाहती थी, तो गांधी जी ने कहा कि यह हार तुम्हें नहीं मिला है, ये गांधी की पत्नी को मिला है, और इसलिए इस पर गांधी का अधिकार ज्यादा है, उनकी पत्नी का अधिकार कम है। और वो मोतियों का हार निकालकर कस्तूरबा के न चाहते हुए भी उस ट्रस्ट को दे दिया गया था। बाद में वो ट्रस्ट बहुत दिनों तक काम करता रहा दक्षिण अफ्रीका में उन भारतीय लोगों के लिए। और गांधी जी मेरे ख्याल से 9 जनवरी 1915 को बंबई में उतरे थे बंदरगाह पर, और उस समय गांधी जी का
पूरे भारत में अपना कहने को न कोई घर था, न कोई प्रॉपर्टी थी, न कोई बैंक बैलेंस था, न कोई पैसा था। और इंग्लैंड से बंबई आने तक का उनका खर्चा उसी प्राण जीवनलाल मेहता ने उनको दिया था। और गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर आए थे, गोखले चाहते थे, गोखले बीमार चल रहे थे, उनको डायबिटीज हुई थी, तो वो चाहते थे कि उनका जो भारत सेवक समाज था, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, तो वे चाहते थे कि गांधी जी आकर इसको चलाएं, और इसलिए उन्होंने गांधी जी को यहाँ पर बुलाया था। हालांकि गांधी जी के आने के महीने भर के भीतर, शायद 15 फरवरी 1915 को गोखले जी का देहांत हो गया, और जो भारत सेवक समाज के लोग थे उन्होंने गांधी जी को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी जिसके भरोसे आए थे वो आदमी साल भर में चला गया। अब गांधी के पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था, और ऐसी स्थिति में फिर प्राण जीवनलाल मेहता ने गांधी जी की मदद की और कहा आप वहां पर आश्रम स्थापित करिए, उसके पैसे मैं देता हूं। और फिर गांधी ने यहां पर भी एक आश्रम साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया, जिसको साबरमती आश्रम के नाम से हम जानते हैं। गांधी का व्यक्तिगत जीवन, जिसको हम पारिवारिक जीवन कह सकते हैं, उन्होंने अपने किसी बेटे के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए कभी भी किसी भी तरह की नियम के बाहर जाकर मदद नहीं की। साबरमती आश्रम में गांधी जी जब रहते थे तो गांधी जी जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, और एक जिसको हम छोटी जाति कहते हैं उसका एक परिवार गांधी जी के आश्रम में आ जाता है। आश्रम के लोग खुश हो जाते हैं कि ये आदमी आया है, अब तो सफाई का काम, बाथरूम की सफाई का काम, गंदगी का काम तो ये करेगा। और आने के बाद गांधी जी उस आदमी को रसोई का काम दे देते हैं कि तुम्हारा परिवार रसोई बनाएगा। तो जो ऊंची जाति के लोग गांधी जी के प्रभाव में आकर आश्रम में आए थे, दूसरे ही दिन उन्होंने आश्रम छोड़ दिया, बोला इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। गांधी जी की सगी बहन जो थी उन्होंने भी कहा कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं यहां नहीं रह सकती। गांधी जी की बहन विधवा थी, उनका कोई सहारा नहीं था, तो गांधी जी ने कहा कि मेरे आश्रम में रहना है तो आपको मेरे आश्रम के नियम मानने पड़ेंगे, अगर आप नहीं मानती हो तो आप यहां से जाने को स्वतंत्र हो। तो उनकी बहन ने कहा कि मैं तो बाहर जाकर रहूंगी, पर मेरा खर्चा तुम उठाओगे। गांधी जी ने कहा देखो मैं खुद दूसरे के टुकड़ों पर पल रहा हूं, मेरे पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है, और लोग मेरे काम से मेरी मदद करते हैं, तो उस पैसे से मैं आपको नहीं पाल सकता। आप दो चार घरों के गेहूं या अनाज पीसिए, कपड़े सिलिए और उससे अपना जीवन गुजारिए, और मेरे पास रहना है, मेरी सुविधाएं पानी है, तो मेरे आश्रम में उसके नियमों का पालन करते हुए आप रहिए। और गांधी जी के बहन आश्रम छोड़कर चली गई। खुद कस्तूरबा को भी कई बार ये चीजें बुरी लग रही थी, पर धीरे धीरे कस्तूरबा ने भी उन चीजों को स्वीकार करना शुरू किया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि गांधी ने अपने और अपने परिवार के लिए, गांधी जी का कोई बैंक अकाउंट नहीं रहा, गांधी जी के पास एक पैसे नहीं रहे, और उनकी अपनी कहने को संपत्ति उनकी अपनी आज भी हमारे देश में नहीं है। हालांकि हमारे देश के कुछ प्रधानमंत्री जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके देहांत के समय 45-46 रुपए उनके अकाउंट में थे, लाल बहादुर शास्त्री के अकाउंट में भी उतने थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोनों का ही अकाउंट अभी तक जिंदा रखा हुआ है, पर गांधी जी का कोई अकाउंट नहीं रहा। साउथ अफ्रीका में रहते हुए जब उनको रस्किन की किताब नहीं मिली थी तो उन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया था 10,000 रुपए का, उसका प्रीमियम भरा करते थे। एक रोज उन्हें लगा कि जब मैं ईश्वर को मानता हूं और ईश्वर ही मेरे जीवन को संचालित करता है तो मैं अपने भविष्य की चिंता क्यों करूं, और उन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस का बीमा उस दिन से खत्म करवा दिया। गांधी जी का ये मानना था कि जन्म मरण ईश्वर के हाथ में है, और वे एलोपैथी के इलाज को पसंद नहीं करते थे। उनके बेटे रामदास गांधी साउथ अफ्रीका में एक बार बहुत बुरी तरह ज्वर से पीड़ित हो गए, मस्तिष्क ज्वर था उन्हें, बुखार उतर नहीं रहा था, डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि जब मैं दूसरों को कहता हूं कि आप इंजेक्शन मत इस्तेमाल करो, जब मैं दूसरों से कहता हूं कि एलोपैथी की दवाई मत लो, तो मैं अपने बेटे के लिए क्यों करूं। डॉक्टर ने कहा ये तो मर जाएगा। गांधी जी ने कहा कि वो तो ईश्वर के हाथ में है,
और गांधी जी ने गर्म पानी से अपने बेटे का शरीर पोछना शुरू किया। 7 दिन बाद उस बेटे का ज्वर उतरा, उसे सिर्फ वो गर्म पानी पिलाते रहे और उसके बाद वो ठीक हो गया, काफी उम्र तक वो जिया। तो ये विश्वास गांधी जी का होना चाहिए, अगर हमारे भीतर आस्तिकता है तो इस तरह का यकीन हमें होना चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, गांधी जी ने अपने जीवन में कभी भी अहिंसा का सहारा नहीं लिया। गांधी जी अपने मित्रों को ही नहीं अपने शत्रुओं तक को माफ करते रहे। दक्षिण अफ्रीका में ही एक बार ऐसा हुआ, शायद 1906 की बात है, वहां गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था 11 सितंबर 1906 से। और सत्याग्रह ये था कि वहां की दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो थी ट्रांसवाल की, उसने ये कहा था कि हर एक व्यक्ति को यहाँ रहने के लिए एक लाइसेंस रखना होगा, अपने पास परमिट जैसा रखना होगा, जिसके पास नहीं होगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अगर ये नियम सारी दक्षिण अफ्रीका वासियों के लिए है तो हमें मान्य है, लेकिन सिर्फ भारत से आए लोगों के लिए है तो ये हमें मान्य नहीं है। और उसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। उन सबसे कहा गया था कि आप आइए अपनी उंगलियों की छाप दीजिए। गांधी जी ने कहा उंगलियों की छाप तो अपराधी दिया करते हैं, हम नहीं देंगे। बाद में वहां का जो अधिकारी था जनरल स्मर्श, उसने गांधी जी के साथ एक चाल चली। गांधी जी को कहा कि देखिए ये कानून हम सबके लिए रखेंगे और एक बार आप अपने साथियों को बोलिए कि वो लाइसेंस ले लें, मैं ये रद्द करवा दूंगा। गांधी जी अपने दुश्मन पर भी आंख मूंद कर भरोसा करते थे और वो जो कहता था उसे मानते थे, उसे भी एक मौका देते थे। जनरल स्मर्श को मौका दिया उन्होंने और वे अपने उंगलियों का निशान देने के लिए वो ऑफिस में जा रहे थे। जब तहसील कार्यालय में, तो एक पठान था जो 11 सितंबर 1906 को उस सभा में मौजूद था जहां गांधी ने कसम खाई थी कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन लाइसेंस नहीं बनवाएंगे। तो उसने गांधी से कहा कि आप कहां जा रहे हो? गांधी ने कहा कि मैं तो लाइसेंस बनवाने जा रहा हूं। उसने कहा जब आपने कसम खाई थी तो आप क्यों तोड़ रहे हो? गांधी ने कहा कि उस आदमी ने मुझे भरोसा दिलाया है और मुझे उस पर विश्वास है। तो उस पठान ने कहा कि आप जाओगे तो मैं आपको मार डालूंगा। गांधी ने कहा वो तुम्हारा काम है। और फिर उसने गांधी के सिर पर जोर की लाठी मारी, सिर फट गया उनका, गिर पड़े। इससे पहले कि वो और मारता, कुछ लोगों ने आकर बचा लिया। गांधी जी को पास के एक व्यक्ति के घर ले जाया गया और होश में आने के बाद सबसे पहले गांधी ने उस आदमी के बारे में पूछा जिसने गांधी जी को मारा था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस पर हुआ था तो पुलिस ने एक्शन लिया। पर गांधी जी ने अपनी ओर से लिख कर दिया कि उस आदमी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं और मैं उसे माफ करता हूं। 6 महीने की सजा काटकर जब वो आदमी आया, उसके बाद जब तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी रहे, गांधी की परछाई बनकर वो गांधी के साथ रहा। तो शत्रु को माफ करने का भी कितना भला परिणाम होता है, ये गांधी ने अपने कर्म से दिखा दिया था। तो ये तो रहा गांधी का अपना व्यक्तिगत जीवन। व्यक्तिगत जीवन में एक और बात आती है आहार की। आहार के बारे में गांधी जी का ये कहना था कि आप जो भोजन करते हो वो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए होता है, तो भोजन को औषधि की तरह ग्रहण करना चाहिए। भोजन की उतनी ही आवश्यकता शरीर को होती है जितनी औषधि की होती है, और जितनी जरूरत हो उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और आपने गांधी जी की तस्वीर देखी होगी, गांधी जी का देहांत हुआ था, उस समय उनका वजन 48 किलो था और उनका जो दिल था वो लगभग 25 साल के नौजवान की तरह धड़क रहा था, उतना ज्यादा वो मजबूत था। गांधी जी पूरी तरह से स्वस्थ थे और वे कहा भी करते थे कि मैं तो 125 साल तक जीऊंगा। तो उन्होंने और अपने पूरे जीवन में उनके 2 ऑपरेशन हुए, एक हार्निया का ऑपरेशन हुआ, एक अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ। वो 2 अगर चीजें छोड़ दें जिस पर उनका वश नहीं था, उसके अलावा गांधी ने पूरी जिंदगी में न कोई दवा खाई, न तो वो डॉक्टर के पास गए, न तो उन्होंने किसी डॉक्टर से अपना इलाज कराया। हालांकि 1942 के बाद उनके साथ लगातार एक डॉक्टर के रूप में, कभी डॉक्टर सुशीला नैयर लगी रहती थी, कभी कोई और डॉक्टर लगा रहता था, पर गांधी जी ने कभी भी उनका सहारा नहीं लिया।
प्राकृतिक चिकित्सा को ही गांधी जी मानते थे और उसका प्रयोग वो लगातार दूसरों पर भी करते थे और खुद पर भी करते थे। और इस तरह से गांधी जी ने एक निरामय जीवन की कल्पना की। एलोपैथी से कोई दुश्मनी गांधी की नहीं थी। एक तो ये था, गांधी जी ने कहा था कि मैंने गरीबी को स्वीकार किया है, तो ऐसे में हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी एलोपैथी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकता है या वो चिकित्सा पद्धति नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति बीमार ही ना पड़े। और 1930 के आसपास उरली कांचन में यहीं पर गांधी जी ने एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की थी और वे चाहते थे कि पूरे देश में ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा की संस्थाएं हों जो कम से कम पैसों में प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखें। तो गांधी जी का स्वस्थ रहने का जो तरीका था वो अगर हम मान ले तो बहुत सारा बोझ जो हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर दवाओं का पड़ता है, बीमारियों का पड़ता है, वो बच सकता है। और उसके लिए गांधी जी ने अपने जीवन में ही प्रयोग कर करके ये सारी चीजें दिखाई। इतने ज्यादा प्रयोग किए कि 40 साल की उम्र में उनके आधे से ज्यादा दांत टूट चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रयोग अपने आप पर किया करते थे। उस प्रयोग के कुछ बहुत अच्छे पक्ष भी आए। गांधी जी उपवास बहुत ज्यादा किया करते थे और उपवास एक ऐसी चीज होती है जिसमें बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। और उस उपवास के दौरान आप सिर्फ गर्म पानी, अगर गर्म पानी पीते हैं तो बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगियां होती हैं वो सारी की सारी बाहर निकाली जाती हैं और बॉडी अपने आप को रिपेयर कर लेती है। ये मौका हम शरीर को नहीं देते हैं। गांधी जी 3 दिन से लेकर 27 दिन तक का उपवास करते थे। कभी कभी जिद में करते थे, कभी कभी अपनी बात को मनवाने के लिए करते थे, कभी कभी प्रायश्चित के लिए करते थे, कभी कभी सेहत के लिए करते थे। तो ये सारा, और उसके पीछे कोई धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक उद्देश्य नहीं हुआ करता था। तो ये गांधी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, हुआ करती थी ये व्यक्तिगत स्तर पर। अब आते हैं हम समाज पर। गांधी जी की समाज की अपनी अवधारणा क्या थी? तो गांधी जी का कहना था कि पूरा भारत अगर एक परिवार है तो इस परिवार में किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा चीजें अपने पास जमा करने का अधिकार नहीं है। अगर आपकी बुद्धि से, अगर आपके कौशल से, अगर आपकी चतुराई से या अगर आपकी मेहनत से आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो वो धन समाज का है। ऐसे में आप उसके ट्रस्टी बनिए और उस पैसे का उपयोग आप उस समाज के लिए कीजिए जहां पर भूख है, जहां पर गरीबी है, जहां पर दरिद्रता है, जहां पर बीमारी है, वहां पर उसका खर्च कीजिए और कम से कम चीजें आप अपने पास रखिए। पूरी जिंदगी गांधी जी के पास एक धोती वो पहनते थे, फट जाने के बाद उसी का वो रुमाल बनाकर इस्तेमाल करते थे और उनकी धोती खुद उनके हाथ से काते हुए सूत से ही बनती थी। या कभी कभी उन्हें जो सूतों की माला गिफ्ट में दी जाती थी उससे वो बनती थी। गांधी जी अपनी चप्पल खुद बनाया करते थे। जिस आदमी ने गांधी जी को जेल में डाला था, जेल में रहते हुए उस आदमी के लिए गांधी ने चप्पल बना कर दी थी, वो चप्पल आज भी उस आदमी के परिवार में रखी हुई है बहुत इज्जत और सम्मान के साथ। तो ऐसी स्थिति में गांधी का ये कहना था कि जब हमारे समाज के अंदर, अगर हम सारे समाज को एक लाइन में खड़ा करें, पूरे देश के सारी जनसंख्या को अमीरी के हिसाब से, अमीर उससे कम अमीर, उससे कम अमीर, गरीब, और सबसे जो सबसे आखिर में खड़ा होगा आदमी इस लाइन में, उस आदमी का भला करने की इच्छा हमारे मन के भीतर होनी चाहिए क्योंकि वह मेरे परिवार का एक सदस्य है। इसलिए गांधी जी हिंदुस्तान आने के बाद वे बिल्कुल वैसे ही रहा करते थे जैसे हिंदुस्तान का एक गरीब किसान रहता है। दूसरा गांधी जी का कहना था कि शारीरिक श्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। हम ऐसा कहते हैं कि हम मानसिक श्रम करते हैं, हम बौद्धिक श्रम करते हैं। गांधी जी ने कहा बौद्धिक श्रम अपनी जगह पर है, पर बौद्धिक श्रम करने की वजह से आप अपना शारीरिक श्रम नहीं छोड़ोगे। आज हमारे देश में अधिकांश बीमारियों की जड़, इस समय जो सबसे लोकप्रिय बीमारियां हमारे यहाँ हैं पूरे देश में,
गर्व के साथ लोग उसका नाम लेते हैं, हाई बीपी और डायबिटीज, उसकी सिर्फ यही वजह है कि हम बौद्धिक श्रम में इतना डूब चुके हैं कि शारीरिक श्रम को हमने लगभग नेग्लेक्ट कर दिया है, और उस शारीरिक श्रम को कंपेंसेट करने के लिए हम कभी चल लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, टहल लेते हैं या जिम चले जाते हैं। ये गलत तरीका है श्रम का। श्रम को श्रम की तरह करना चाहिए। फिर आपका ये सवाल होगा कि भाई मुंबई जैसे शहर में हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, यहाँ पर हम क्या करें? खेत तो है नहीं कि हम खेती कर सकें। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, अपने कपड़े साफ कर सकते हैं, घर में मशीनें जो हैं जैसे वॉशिंग मशीन होगी, डिशवॉशर होंगे दुनिया भर की, या मिक्सर होगा, ये सारी चीजें अगर हम हटा दें, पैकेट में पीसे हुए आटे लाने के बजाय हम घर पर एक छोटी सी चक्की लेकर उसको पीसें, थोड़ा समय जाएगा, पर वो जो समय आप जिम में डालते हैं वो आप इस पे लगाइए, आपका घर भी साफ रहेगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं ढूंढिए, आप शारीरिक श्रम करने के लिए जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास म्युनिसिपल स्कूल होंगे, स्कूल के अंदर जाकर आप सफाई कर सकते हैं, जो सामुदायिक केंद्र होते हैं वहां जा सकते हैं, ढूंढने पर बहुत सारी जगहें मिल जाती हैं, काम तो बहुत है हमारे देश में। अगर आपको आपका शहर गंदा लगता है और आप कहते हो कि आपके पास काम नहीं है, तो ये गंदगी दूर करने का तो बहुत बड़ा काम है। हम सारे मिलकर हफ्ते में एक दिन सड़कों को साफ करना शुरू कर सकते हैं, शहर अपने आप साफ हो जाएगा। पर ये सारा हम सिर्फ कहते हैं, गांधी जी ये किया करते थे। वे जहां रहते थे उसके पास के हरिजन बस्ती में जाया करते थे और वहां उनको सफाई करना सिखाया करते थे, और बस्तियां जब बहुत गंदी होती थी तो वहीं महीने भर रह जाया करते थे। तो समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी, गांधी का कहना था कि मेरा व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल भी व्यक्तिगत नहीं है, और गांधी का मानना था कि आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती है, लाइफ तो सोशल ही होती है या हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे समाज में हजारों लोग लगातार काम करते रहते हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं, आप जो खाना खाते हैं, आप जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनको बनाने के लिए कितने हाथ लगते हैं। मैं एक रोटी का अगर उदाहरण लूं तो आपकी थाली में जो रोटी आती है, वो रोटी कहीं पंजाब में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में कोई किसान लगभग 6-7 महीने खेतों में खट खट कर मर मर कर उगाता है। उगाने के बाद मजदूर उसको गोदाम तक पहुंचाता है, फिर वहां से वो आपके पास आती है। किसान का पूरा परिवार, उसकी सारी कामनाएं, उसकी सारी इच्छाएं उसमें लगी रहती हैं। उसके बाद वो आपके पास पहुंचता है और आपकी रोटी बनकर आपकी थाली में आता है, और हम उस रोटी को खाते वक्त कभी भी उस किसान को याद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस रोटी के जो पैसे हमने चुकाए तो हमारा एहसान खत्म हो गया। एक रुमाल भी आप खरीदते हो तो उस रुमाल के पीछे विदर्भ के इलाके के जो कपास उगाने वाले किसान होते हैं, वो किसान, उसकी आशाएं आकांक्षाएं, फिर उसके सूत बनना, फिर उसका कतना, फिर बुनना, फिर रंगना, फिर सिलना, इतना होकर जब आपके पास पहुंचता है तो आपका रुमाल या आपका टी शर्ट या आपके कपड़े हजारों हाथ की गर्मी लिए होते हैं, जिसको हम महसूस नहीं करते हैं। तो जब आप अपने समाज में रहते हुए समाज के एहसान को महसूस नहीं करते हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप एक अच्छे समाज की कामना करते हो या आप एक अच्छा समाज बनाना चाहते हो? कामना करना एक अलग बात है। अगर आदमी कोई इच्छा करता है, कोई कामना करता है, कोई ख्वाहिश करता है और उसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करता है, तो उसकी कामना एक मानसिक अपराध बनकर रह जाती है, जिसका दंड पूरे समाज को भोगना पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा स्तर आता है, जिसको हम कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की बात अगर हम करें, तो गांधी जी एक तो राष्ट्र जैसी अवधारणा को नहीं मानते थे, वो पूरी दुनिया को अपना मानते थे, और उनका ऐसा मानना था कि किसी को भी, किसी पर भी हुकूमत करने का अधिकार नहीं है। व्यवस्था हमेशा लोकतांत्रिक होनी चाहिए, और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में से चुनकर जब हम लोगों को अपने ऊपर शासन करने के लिए भेजते हैं,
तो उन लोगों का जीवन सेवक की तरह होना चाहिए, शासक की तरह नहीं होना चाहिए। इसीलिए जिस दिन देहांत हुआ गांधी जी का 30 जनवरी 1948 को, उसके एक दिन बाद कांग्रेस की सभा होने वाली थी, जिसमें गांधी जी ये प्रस्ताव लाने वाले थे कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्थापना भारत को आजाद कराने के लिए की गई थी, उसका काम पूरा हो गया है, अब कांग्रेस की भारत को जरूरत नहीं है। और जितने भी लोग अपने अपने समाज में, अपने अपने राज्य में काम कर रहे हैं, वे लोग अपने आप को प्रस्तुत करें कि हम देश के लिए करना चाहते हैं, वे चुनाव लड़ें, वे जीतें और वो मिलकर सरकार चलाएं, विपक्ष जैसी कोई चीज नहीं रखें। पर ऐसा हो नहीं पाया, उसके एक दिन पहले ही गांधी जी की हत्या कर दी गई, वो अलग मुद्दा है। पर गांधी जी ये चाहते थे कि शासक और शासित जैसी चीजें किसी भी राष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र की प्रत्येक व्यवस्था डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, छोटे छोटे ग्राम पंचायतें होनी चाहिए जो अपने फैसले लें, शासन को प्रजा की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है, जहां उनको जरूरत होगी वहां वे मांग करेंगे, वहां शासन को मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी। और शासन का सबसे पहला काम ये होगा कि देश में से भूख और गरीबी और बीमारी को दूर किया जाए, और उसके लिए जो करना है वो करने की शुरुआत करनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि बहुत ज्यादा उद्योगीकरण ना हो, बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे न बने, छोटे छोटे उद्योग धंधे बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। तो उनकी राष्ट्र की संकल्पना ही बिल्कुल अलग थी। और फिर तीसरी बात हम करते हैं, उनकी वैश्विक अवधारणा। गांधी जी बार बार कहा करते थे कि मैं हिंदू हूं। उनका हिंदू कहने का अर्थ यह था कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। उनकी किताब हिंदू धर्म क्या है, अगर वो आप पढ़ें तो पता चलेगा कि वो मानव धर्म की बात करते हैं। गांधी जी की प्रार्थना सभा में हमेशा दुनिया के सभी धर्मों की प्रार्थनाएं होने के बाद ही गांधी अपनी बात रखते थे। तो गांधी की सभा की शुरुआत प्रार्थनाओं से होती थी, उसमें कुछ प्रार्थनाएं इस्लाम से, कुछ ईसाइयत से, कुछ यहूदी से, कुछ जैन से, कुछ बौद्ध से, ऐसे अलग अलग प्रार्थनाएं हुआ करती थी। गांधी जी बहुत गहराई से आस्तिक थे, और आस्तिकता का उनका एक पक्ष ये था कि मनुष्य के सामर्थ्य की सीमा होती है, मैं अपने जीवन, अपने समाज, अपने राष्ट्र को, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूंगा, और जो मुझसे नहीं हो सकेगा तो मैं अपने ईश्वर को सरेंडर कर दूंगा, पूर्ण आत्मसमर्पण कर दूंगा कि ईश्वर अब तेरे हाथ में है, तू करना चाहे तो कर, नहीं करना चाहे तो मत कर। तो ये इस तरह की एक समर्पण भक्ति व्यक्ति के अंदर हो तो उसकी बहुत सारी दुश्चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले मार्च अप्रैल में देखा कि बड़े बड़े महानगरों से, चाहे वो दिल्ली हो या अहमदाबाद हो या मुंबई हो, ढेर सारे मजदूर यहां से भाग रहे थे। इसलिए भाग रहे थे कि उनके पास रोजी रोटी नहीं थी, उनके पास खाने का ठिकाना नहीं था, छोटे मोटे रोजगार करने वाले उनके छीन चुके थे, और उसी शहर में बहुत सारे अमीर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो लोग चाहते तो इन सारे लोगों को रोक सकते थे, जैसा कि केरल ने किया। केरल ने, केरल के हर गांव ने, केरल के हर समाज ने एक सामूहिक रसोई बनाई, जहां पर रहने वाले सारे मजदूरों को इकट्ठा किया, और जैसे दिल्ली में खिचड़ी बट रही थी वैसे खिचड़ी उन्होंने नहीं बनाई। वो मजदूर जिस इलाके का था, जैसे अगर उड़ीसा का मजदूर था तो उसको उड़ीसा का भोजन दिया जाता था, बिहार का है तो बिहार का दिया जाता था, यूपी का है तो यूपी का दिया जाता था। 5% मजदूर भी केरल से पलायन नहीं किए, क्योंकि उनको सारी फैसिलिटी केरल के लोगों ने दी। और जिस समय हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या में, बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना पेशेंट बढ़ रहे थे, केरल में 500, 600, 700 ही हो रहे थे। अब चूंकि बहुत से बाहर से लोग आने लगे हैं, थोड़ी सी संख्या बढ़ रही है, पर केरल में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। तो जैसा केरल ने किया वैसे महाराष्ट्र कर सकता था, वैसे दिल्ली कर सकती थी, वैसे गुजरात कर सकता था, पर वैसा हमने नहीं किया।
गांधी अगर ऐसे अवसर पर होते तो वो उन मजदूरों के पास जाते, उनको रोकते, उनकी सारी सुविधा करते। तो ये जो गांधी का एक नजरिया था मानवता का, विश्व बंधुत्व का, उसकी वजह से आप यकीन नहीं करेंगे कि गांधी के बाद पूरी दुनिया में लगभग 6 देशों में गांधी सिद्धांतों को लेकर आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए और अहिंसात्मक रूप से सत्ता प्राप्त की गई। तो यह एक आदमी, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी किसी राजा महाराजा के पुत्र नहीं थे, गांधी बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, गांधी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। गांधी ने जो बैरिस्टर की डिग्री ली थी उसमें एडमिशन लो तो अपने आप डिग्री मिल जाती है। यहां पर भी गांधी के बहुत जीनियस और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो ऐसा नहीं था। गांधी जी ने जिंदगी के साथ सीखा, अपने आंख का नाक खुले रखे, हर चीज को स्वीकार किया, चीज बहुत पढ़ा नहीं, जो थोड़ा बहुत पढ़ा उसको जीवन में उतारने की कोशिश की। एक छोटी सी किताब उनकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। हम तो न जाने कितनी किताबें पढ़ते और हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हम अक्षर पढ़ते हैं, उसके संदेश उसकी आत्मा तक हम नहीं पहुंचते हैं, गांधी पहुंचते हैं। और इन सबके साथ साथ जो गांधी सबसे बड़ा काम कर रहे थे वो पर्यावरण को लेकर, वो नहीं चाहते थे कि मनुष्य के विकास के लिए प्रकृति का विनाश हो किसी भी रूप में किसी भी तरह से, वो उसके सख्त खिलाफ थे। तो ये गांधी के 4 स्तर हैं, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और वैश्विक, और इन पर गांधी जी ने लगातार प्रयोग किए और सफलतापूर्वक प्रयोग किए। तो मुझे लगता है कि मुझे इतनी ही बात कहनी चाहिए, उसकी बजाय अगर आप अगर कोई सवाल करते हैं, आपके मन में कोई शंका आती है तो उसका जवाब दें तो बात चीजें ज्यादा खुल सकती हैं, या ये समझ में आ सकता है कि मेरा कहा हुआ आपकी समझ में आया कितना। तो अगर आप में से किसी को कोई भी सवाल, किसी भी तरह की शंका गांधी या गांधी विचारों को लेकर हो तो वो बोल सकता है। किसी को कुछ प्रश्न है तो प्लीज डॉक्टर पांडे जी से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं है मैडम, या अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? विचार प्रकट करना चाहता हूँ, गोड़से बोल रहा हूँ मैडम। मैं विचार प्रकट करना चाहता हूँ कि सर ने जो बताया आज के मामले में, जैसे उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बताया कि घर पे ऐसे आप अपने काम करके फिजिकल फिट रह सकते हैं। दूसरा जो कोरोना से लड़ाई है, केरल का जो एग्जांपल दिया, दोज आर वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड सिंपल एग्जांपल्स में उन्होंने गांधी जी के विचार समझाए हैं जो हम बेसिक लेवल से कुछ हमारे लिए कर सकते हैं। मैं आपके मत से सहमत हूँ कि जो पांडे जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं और गांधी जी के फिलोसफी के बारे में बताया है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने उस तरीके से हमको समझाया है। Yes. Thanks a lot, sir. And thank you, Rupali, for arranging this nice webinar. बाकी किसी और को प्रश्न है? सर ऐसे लगा था कि हम सुनते जाए आपका व्याख्यान, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मिल रही थी और जैसे आप बोल रहे थे तो वी वर एक्चुअली विजुलाइजिंग पूरा उस समय का माहौल हम लोग विजुलाइज कर पा रहे थे। नहीं, आपका समय 4:15 तक है इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी खत्म करूं और आपका सवाल लूं। समय ज्यादा होता तो मैं दिन भर बोल सकता था। सर अगर सवाल नहीं आ रहे हैं तो अगर आप अपने और भी कुछ घटनाएं हैं उसके बारे में हमको और भी कुछ जानकारी दे सकते हैं, अगर सवाल नहीं है अभी तक तो। मैं ये अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने हेल्थ की है, अगर किसी को हेल्थ पर कुछ पूछना है तो उस पर भी पूछे तो मैं गांधी का जवाब दूंगा उन्हें, और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय। कोई नहीं पूछ रहा फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमेशा डर तब आता है
जब अज्ञान होता है, जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए, जैसे अंधेरे में कोई आकृति हमें दिखाई पड़े, हमें ये नहीं पता हो कि वो कौन है, तो हम डर जाते हैं कि वो भूत प्रेत या ऐसे कुछ हो सकता है। अगर हमें पता चले हमारा कोई दोस्त सामने से आ रहा है, अगर इसका ज्ञान हो तो हम उससे नहीं डरेंगे। बिल्कुल वैसा ही ये आपका कोरोना है जिससे लोग डरे हुए हैं, और ये डर जो है लोगों को ज्यादा परेशान किए हुए हैं। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि कोरोना ये जो वायरस है ये हजारों साल से इस दुनिया में है, और जिसको हम जुकाम कहते हैं, जुकाम का सबसे बड़ा कारण कोरोना हुआ करता है बहुत पहले से। पर ये वाला जो आया है जनवरी 2019 में, जिसकी वजह से हम इसको कोविड-19 कहते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रांग होकर आया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसका दो दुष्प्रभाव हैं। एक तो ये आपके फेफड़े पे पैच पैदा करता है और आपकी श्वसन क्षमता को कमजोर करता है, और दूसरा ये आपके ब्लड को क्लॉट करता है। ये दो चीजें करता है। तो अगर आप स्वस्थ हो तो ये वायरस अगर आपके भीतर आ जाता है, आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हो, तो आपको बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने शरीर श्रम किया हुआ है, आपका भोजन अच्छा है, आपका आहार अच्छा है और आपकी नींद अच्छी है, तो आपकी नींद अच्छी तब होगी जब आपको चिंता नहीं होगी। और आपका आहार, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज हम जिस आहार शैली के अंदर हैं वो हमने भ्रष्ट कर दिया है। जितने भी आपके बेकरी प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पैदा करते हैं। जो अनाज हम खा रहे हैं वो अनाज पिछले 50 साल में पैदा किया गया है। इस महाराष्ट्र में 50 साल पहले या 30 साल पहले किसी भी घर में गेहूं की रोटी नहीं बनती थी। यहाँ का भोजन ज्वारी हुआ करता था, बाजरी हुआ करता था, नाचनी हुआ करता था। आज ये तीनों अनाज रसोई के बाहर चले गए हैं। सारे के सारे होटल जहां पर आप खाना खाने जाएं, चाहे वो साउथ इंडिया में या महाराष्ट्र में, आपको वहां पर पंजाबी खाना ही मिलता है। छोले भटूरे समोसे, ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारा भोजन नहीं है। हमारा दाल उतना गाढ़ा नहीं होता है, क्योंकि हम जहां पर हैं वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहाँ पर आमटी और पतले दाल की जरूरत पड़ती है। तो आप जहां रहते हैं वहां का अगर भोजन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रहते महाराष्ट्र में और भोजन यूपी का कर रहे हो, बिहार का कर रहे हो, पंजाब का कर रहे हो, प्रॉब्लम होगी ही होगी। महाराष्ट्र में सिंगदाने का तेल इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इलाकों में नारियल का तेल इस्तेमाल किया जाता है, बाकी तेल की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ भी मैं देखता हूँ कि लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं खुश होकर कि ये बहुत बड़ी चीज है, वो सरासर नुकसानदेह है। तो अगर आप जिस परिवेश में रह रहे हो उस परिवेश का अगर भोजन आप करो तो आप स्वस्थ रहोगे, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। अगर आप शारीरिक श्रम करते रहते हो तो, और आपका भोजन अच्छा है, कोई भी बीमारी कोई भी वायरस आएगा आपका शरीर उससे लड़ लेगा। पर हमने गंदा खाना देकर या असमय का खाना देकर, हमारा देश ऐसा देश है जहां चाय पीने का कोई वक्त नहीं होता, कभी भी किसी भी वक्त लोग चाय पीते हैं। चाय की हमारे शरीर को जरूरत ही नहीं होती है, ये अनावश्यक चीज ब्रिटेन के लोगों ने हमारे आदत में डाली। महाराष्ट्र में 70 साल पहले चाय पीना शराब पीने जैसा बुरा माना जाता था, कोई नहीं पीता था। इस समय जिसकी उम्र 80-90 साल की होगी उसे पूछिए कि उसके बचपन में चाय पी जाती थी या नहीं। और चाय को हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना दिया है, अरबों रुपए की चाय हम पी जाते हैं। उसके साथ फिर आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं जिसकी आपके शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत सारी अनावश्यक चीजें हम अपने शरीर में ठूंसते जाते हैं, अपने शरीर को कचरे का डब्बा बना दिया हमने। और फिर उसका परिणाम ये होता है कि मामूली सी चीजें आपके शरीर पर अटैक करती हैं और आप फिर बीमार हो जाते हैं और उसी में आप मर भी जाते हो। तो अगर आप अपने शरीर को एक मंदिर की तरह, हमारे यहाँ देह को मंदिर माना जाता था, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, ये सब देह को मंदिर कहते थे। तो जिस देह को आप मंदिर मान रहे हो उस देह का आप सत्यानाश कर रहे हो, और फिर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहो, तो ये तो एक गलत फहमी है। फिर ये जो आजकल गोलियां आई हैं, इसकी विटामिन सी की गोली ले लो, विटामिन डी की गोली ले लो, ये सब सिर्फ नुकसानदेह है। जो चीजें नेचुरल मिलती है, बॉडी का भी अपना एक दिमाग होता है, हमारे हर सेल के पास एक दिमाग होता है, हर सेल हमारा सोचता है। तो हर सेल को पता है कि जो अपनी बॉडी में आ रहा है
वो हजारों साल से आ रहा है या आज आ रहा है। आपको लगेगा मेरी उम्र तो इतनी, हजारों साल का क्या, लेकिन हम जिस जीवन से पैदा हुए हैं, जिस डीएनए से पैदा हुए, आज का नहीं है, वो करोड़ों साल में डेवलप हुआ है। तो वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये चीजें जितना फायदा करती उससे ज्यादा नुकसान करती है। तो जितना हो सके आप दवाइयों से बचिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारी रसोई से बड़ा कोई मेडिकल स्टोर होता ही नहीं है। कितनी बड़ी चीजें आपके घर में, हल्दी है, लौंग है, काली मिर्च है, अदरक है, मिर्च है, धनिया है, टमाटर है, ये सब दवाइयां हैं असल में, पर हमें इनका उपयोग नहीं पता है। तो अगर हम सही ढंग से अपने चीजों को जानें, सही ढंग से हम समझें, हमें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होगा, और हम ये जो डर इस समय कोरोना का फैला हुआ है, उस डर से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि इस डर का एक बहुत बड़ा बाजार है। इस डर के नाम पर आप सैनिटाइजर का पूरा गैलन का गैलन घर में रख रहे हो। इस डर की वजह से आप अपने नाक के ऊपर कपड़े डालकर घूम रहे हो, और उसकी वजह से आपके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो ये जो सारी चीजें ना, चीजों समस्या को सही ढंग से, गांधी एक्सपेरिमेंट करते थे, वो चीजों को सही ढंग से समझते थे और फिर उसका वो उपचार करते थे। गांधी के जमाने में कॉलरा भी आया था, प्लेग भी आया था, भूकंप भी आया था, बहुत बड़े पैमाने पर प्लेग फैला था साउथ अफ्रीका में, जहां गांधी ने काम किया था, वहां जाकर उन लोगों के लिए कस्तूरबा ने काम किया था। कभी बीमार नहीं हुए गांधी किसी भी वायरस से या किसी भी बैक्टीरिया से या किसी भी कीटाणु से, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को मंदिर माना था और उसकी वजह से वो बचे रहे। तो अगर हम भी अपने देह का उस तरह से ख्याल रखें जैसे हम अपने मंदिर का रखते हैं, देह के प्रति धार्मिक हों, उसके साथ अत्याचार न करें कभी भी, और कोई भी चीज उसमें ठोसने की कोशिश ना करें, तो देखिए हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो गांधी का ये जो एस्पेक्ट है फूड को लेकर, खाने को लेकर, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर, उनका ये कहना था कि कोई भी बुखार हो आप कोई दवा मत लो, खाना पीना बंद कर दो, आप सिर्फ पानी पियो, ये जिसको अभी जूस थेरेपी कहते हैं, आप नारियल का पानी पियो, आप मौसम्बी का जूस पियो, 3 दिन के अंदर दुनिया का कोई भी बुखार आपके शरीर में टिकेगा नहीं, वो निकल जाएगा बिना एक पैरासिटामोल के, बिना एक क्रोसिन के। सिर्फ खाना पीना बंद कर दीजिए, नारियल पानी और मौसम्बी जूस पीते रहिए, 3 दिन में वो गायब हो जाएगा। तो उसके लिए हमें हमारे शरीर पर भरोसा होना चाहिए, और भरोसा तब होगा जब शरीर का आप साथ दोगे, 8 घंटे की अच्छी नींद आपको मिलेगी। बहुत लोगों को नींद नहीं आती, वो नींद की गोलियां खाते हैं, उनको नींद की गोलियां खाने के बजाय 4 घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए, फट से नींद आ जाएगी उनको, पर वो मेहनत नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि ऐसे गोलियों से हमारा काम चलता रहे। तो शॉर्टकट से जिंदगी हमेशा मुश्किल में पड़ती है, शॉर्टकट हमेशा आपको फायदा देगा ऐसा नहीं है, वो तकलीफें आपको मिलेंगी, और लॉन्ग रन के फायदे लॉन्ग रन तक चलते हैं। तो ये इस संदर्भ में मुझे कहना था। धन्यवाद डॉक्टर पांडे कि आपने फूड के बारे में भी हमको जानकारी दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को और भी जानकारी देना चाहती हूँ कि इस श्रृंखला में हमने वेबिनार तथा महात्मा गांधी जी के विचारों पर प्रकाशित पुस्तकों का प्रदर्शन और बिक्री का आयोजन किया है। यह आयोजन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के रिसेप्शन एरिया में किया है तथा प्रियदर्शनी की कैंटीन एरिया में किया है। तो सभी से अनुरोध है कि वो प्लीज जाके वहाँ पे वो स्टॉल को विजिट करे। अगर किसी को कुछ प्रश्न नहीं तो हम इस सत्र की समाप्ति का आयोजन करते हैं। उसी के साथ धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी, आपने आज के वेबिनार के माध्यम से हम सभी उपस्थितों को गांधी जी के जीवन शैली पर संक्षेप में जानकारी दी। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर पांडे जी ने यह व्याख्यान विनामूल्य रूप से सादर किया है। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी इसके लिए। गांधी जी के छोटे छोटे पहलू से उनकी फिलॉसफी, मूल्य और विचार के बारे में हम सभी को प्रेरित किया है। आपका गांधी जी के विषय का ज्ञान और गांधी जी के विचारों का अभ्यास देखकर हम सभी संतुष्ट है, और उनके विचारों के मार्ग पर चलने के लिए आपका सत्र सुनकर प्रेरित हुए हैं। फिर से एक बार सभी उपस्थितों का और डॉक्टर पांडे जी का मन से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद धन्यवाद।
थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।